बॉलीवुड की यंग और स्मार्ट स्टार किड न्यासा देवगन की अक्सर बॉलीवुड में डेब्यू की बातें छाई रहती है और सभी स्टाइलिश स्टार किड को इंडस्ट्री में देखने की चाहत भी रखते हैं, इसीलिए इनके बॉलीवुड डेब्यू की खबर और भी ज़्यादा आग की तरह बॉलीवुड में फैल रही है। लेकिन आज काफ़ी समय बाद न्यासा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू पर काजोल देवगन ने चुप्पी तोड़ दी है और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर काजोल ने न्यासा देवगन के बॉलीवुड डेब्यू पर चुप्पी तोड़ते हुए क्या कहा, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। न्यासा देवगन आज इतनी ज्यादा पॉपुलर और खूबसूरत हस्तियों में अपना नाम शुमार करवा चुकी है कि इन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, बल्कि इनका नाम ही एक अलग पहचान बन गया है। जी हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि अक्सर ये अपने फैशन स्टेटमेंट और अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर खूब लाइमलाइट बटोरती है, जिसके चलते हर किसी की जुबा पर सिर्फ इन्हीं का नाम आता है। और तो और, जब से इन्होंने साल 2022 में ही इंडस्ट्री के मशहूर फैशन डिजाइनर मलीश मल्होत्रा के लेटेस्ट कलेक्शन की मॉडलिंग की है, तब से तो ये सभी के मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि न्यासा देवगन कब बॉलीवुड डेब्यू करेगी और बड़े पर्दे पर आकर हर किसी के दिल को धड़काएगी। मगर लंबे समय से उठ रहे इन सवालों का जवाब किसी को नहीं मिल पा रहा था, पर आज काफी समय के बाद काजोल, जो कि न्यासा की माँ है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि न्यासा अपने लिए खुद डिसीजन ले सकती है। मैं उन्हें बॉलीवुड से दूर नहीं रख रही हूँ, मैं किसी भी काम के लिए उन्हें फोर्स नहीं करूंगी, वो जो करेगी अपने लिए करेगी। वैसे भी अभी वो 18 साल की है, समझदार है और अपने फैसले लेने में सक्षम है, इसीलिए वो जानती है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अब चाहे वो एक एक्ट्रेस बने या फिर किसी अदर फील्ड में अपना करियर बनाए। इसी के साथ काजोल का ये भी कहना है कि मीडिया को उनकी बेटी न्यासा के बारे में जाने वाली बॉलीवुड डेब्यू की खबर को इतना ज्यादा उछालना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, न्यासा देवगन अपनी मम्मी काजोल के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्ट्रेस बनेगी या फिर किसी और फील्ड में जाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।